your opinions are your opinions they are not anyone else's opinions that is something that you have to understand society is always going to be in danger people are always going to cry and things are always going to evolve because that is what marketing is selling you this is what basically stoicism's principle number 1 courage is all about welcome guys to ap podcast slash solo cast thank you so much for tuning in to AP podcast it really means a lot that you are watching the content liking it and actually subscribing it if you are a new viewer make sure you subscribe the content bro it really takes a hell lot of effort to do these things so i am requesting this small little effort from you to subscribe the channel uh, however moving towards today's topic आज बाइलिंगवल रखने की कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से बिकॉज़ ये टॉपिक काफ़ी इन डेप्थ हो सकता है एंड uh, हो सकता है कि हम इस वीडियो को काफ़ी लंबा कर दे बिकॉज दिस थिंग इज एक्चुअली समथिंग दैट एवरी वन वांट्स टू टॉक अबाउट एवरी वन वांट्स टू बी स्मार्ट साउंड कि वो इसके ऊपर अपनी टिप्पणी बना सके लेकिन बहुत लोग इसे मज़ाक में ले लेते हैं या फिर एक मेटाफर या जोक की तरह से यूज़ कर लेते हैं सो द टॉपिक इज स्टोइसिज्म नाउ व्हाई स्टोइसिज्म आई हैड डन अ पोल ऑन इंस्टाग्राम आई मीन वी द टीम हैड डन अ पोल ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब जहाँ पे हम लोगों ने आपसे पूछा कि वॉट सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू वॉन्ट टू सी ऑन सोलो कास्ट सो मोस्ट ऑफ यू सेट ऑन यूट्यूब दैट यू वॉन्ट टू सी सोलो कास्ट मे नीहलिजम मेसर्डिजम एंड ऑब्वियसली सोएसिज्म सो देर वी आर हैविंग द वीडियो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कवर द अनदर टॉपिक बट फॉर दिस ब्रो सोइसिज्म इज लाइक अ वेरी ओल्ड फिलोसफी एंड इवन द वेरी ट्रेंडिंग एंड एवरी वन रियली वॉन्ट्स टू गिव देर पर्स्पेक्टिव अबाउट इट तो टू ऑल द दीपल हुआ से ये क्या दे दिया कंटेंट यार हमें ये नहीं चाहिए था तो भाई तुम्हें पोल पे वोट करना चाहिए था सो इफ़ यू आर नॉट एक्टिव ऑन द कम्युनिटी पोस्ट ऑफ ए पी पॉडकास्ट मेक श्योर यू आर एक्टिव यू आर एंगेजिंग यू आर लाइकिंग यू आर शेयरिंग एंड यू आर डूइंग एवरी थिंग देअ दैट वी टोल्ड यू टू डू आर एट मोस्ट प्लेजर ओके इनफ ऑफ प्रमोशन का आज बहुत प्रमोशन हो रही है uh, यार आज की बाई बहुत अच्छी है <laughs> uh, लेकिन टॉकिंग अबाउट ए पी पॉडकास्ट ओह सॉरी talking about stoicism so uh, guys stoicism stoicism is basically a philosophy where you as an individual control your reaction to whatever uh, things decisions actions are happening outside your uh, uh, outside yourself as in in the real world it could be uh, losing someone, it could be a car accident, it could be something as little as your tire getting punctured before you had to go for a very important meeting, and then you get angry and all that stuff. stoicism tries to address to these small little things that we have in our lives. a big disclaimer to all people who are watching this. आई एम नॉट अ फिलोसफर आई डोंट हैव अ डॉक्टरेट डिग्री और इवन अ मास्टर्स डिग्री इन फिलोसफी दैट आई कैन गिव प्रवचन ऑन दिस टफ आई एम जस्ट एन इंडिविजुअल हु ट्राई टू अंडरस्टैंड सोसिज्म आई कुड एज मच एज आई कुड इम्प्लीमेंट दैट्स द मेन पॉइंट एज मच एज आई कुड इम्प्लीमेंट एंड देन फाइनली ट्रांसफर टू यू पीपल और डिसमिनेट टू यू पीपल कि आप लोग समझ सके कि सोइसिजम है क्या ओके तो वाई लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस स्टोईसिज्स प्रिंसिपल इज बेसिकली दिस थिंग यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शन नाउ वाई यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शन बी नेचुरल बी स्पॉन्टेनियस बट वेन वी आर स्पॉन्टेनियस वी हैव इश्यूज इन आवर लाइव्स वी हैव प्रॉब्लम्स इन आर लाइव गो बैक टू योर लाइफ एंड सी वट यू आर डूइंग when you were you know really very sad after an event it could be anything it could be your mock test it could be your interview it could be your date it could be anything that happened ऐसा कौन सा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में जब आपको ये लगाओ कि यार दिस कुड हैव बिन बेटर माय रिएक्शन कुड हैव बिन बेटर स्पेशली मैं वर्स्ट के सिनेरियोस की बात कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ बहुत ही ख़राब हो गया लाइफ में जैसे मैंने बोला आपका टायर पंचर हो गया उसके बाद आपने आधा घंटा गाली देने में ही निकाल दिया कि भाई ये हो गया वो हो गया पता चला आप जहाँ जाना था वहाँ तो जा ही नहीं पाए उल्टा टाइम आपने वेस्ट कर दिया सो स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग इन आर लाइफ दैट वी यूजली नेग्लेक्ट एंड देन वी लेटर ऑन रिग्रेट दैट वॉज अ गुड राइमिंग बट यू नो वेन थिंग्स लाइक दीज हैपन यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन की वाई वाई इज़ दिस हैपनिंग सो टू सी दीज थिंग्स दीज रियक्शन एंड आज के टाइम में जो यंग लोग हैं नई चीज का सामना करना पड़ रहा है दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मुझे लगता है ये पहले के टाइम में भी हुआ करती थी बट क्योंकि आज हमारे हाथ में ये है यानी इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल दैट स्टफ हम उस इंसान को भी देख रहे हैं जो तेईस uh, साल की उम्र में बाईस साल की उम्र में मिलियनियर बन रहा है प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है सब कुछ कर रहा है और हम उस इंसान को भी देख रहे हैं जिसकी लाइफ पूरी चली गई वो चालीस साल का हो गया और वो बेरोजगार घर पे बैठा है उसकी जिंदगी बर्बाद है हम दोनों टाइप के लोगों को देख रहे हैं हम दोनों टाइप के लोगों को देख रहे हैं लेकिन उसके अलावा जो पीयर प्रेशर हमें हमारे आसपास के लोग दे रहे हैं ना उसकी वजह से हम कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं इन्फ्लुएंस में आगे जो हमें नहीं लेने चाहिए थे ये सबके साथ होता है सोसाइटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन डेंजर पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू क्राई एंड थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू इवॉल्व बिकॉज दैट इज वट मार्केटिंग इज सेलिंग यू ओके दैट्स द रियलिटी चेक वी कैन कम टू दिस लेटर ऑन इन द पॉडकास्ट बट एज ऑफ नाउ स्टोइसिज्म के चार प्रिंसिपल्स होते हैं आपके जो ये चार प्रिंसिपल्स वो है करेज़ टेम्परेंस जस्टिस विजडम इनको ना हमें जल्दी जल्दी समझना है और धीरे धीरे समझना है दोनों मतलब जल्दी भी धीरे भी तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा अगर पहले हम करेज की बात करें वॉट इज़ करेज बेसिकली वॉट बेसिक सेंस इज ऑफ करेज कि भाई लोग बोलते जा भाई बहादुर बन जा बहादुर बनने का क्या मतलब है कि आप सीधे बॉर्डर पर चले जाए आप गोलियाँ खा लें या फिर आपको मैं बोलूँ कि अभी तू यहाँ से जा भाई तू संजय बन जा और वहाँ जाके एक अकेले ना रात बिता के आज दिस करेज इज़ दिस इज़ वाट इज करेज माइंड बी फॉर सम पीपल बट आई गेस इफ़ यू गो बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टोइसिज्म वट द फिलोसफर्स आर ट्राइंग टू इस्टेबलिश इज बिट डिफरेंट जैसे एक बहुत ही फेमस फिलासफर हुआ है सैनिकस सेनेकस सेट दैट आई एम नॉट एक्जैक्टली कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स बट दिस वॉज द एसेंस दैट ही लिटरली पेटीज दोज पीपल हु हैवेंड एनकाउंटर्ड एनी एट्रॉसिटी स्लैश डिफिकल्टी इन देर लाइव इसका ये मतलब है कि फिलोसोफर ये कह रही है कि आज तक जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करी है उन्हें बुरा लग रहा है वो उनके लिए पैटी कर रहे हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है दिस इज़ वट बेसिकली स्टोईसिजम्स प्रिंसिपल नंबर वन करेज इज ऑल अबाउट करेज इज नॉट अबाउट कि आप बहादुर हो आप लड़ खड़े हो रहे हो करेज इज़ अबाउट फेसिंग द प्रॉब्लम्स हेड ऑन टेकिंग the प्रॉब्लम्स the एट्रोसिटीज that यू आर हैविंग इन your लाइफ head ऑन उनके ऊपर आपका रिएक्शन कैसा रहेगा दैट इज वेन स्टोइसिज्म कम्स इन बट लाइफ इज नेवर अबाउट अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स इट्स अबाउट फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स गेटिंग दोज प्रॉब्लम्स एंड देन फिगरिंग आउट हाउ यू कैन गेट द थिंग्स डन दिस इज वॉट बेसिकली द होल प्रिंसिपल ऑफ करेज इज देन कम्स टेम्परेंस टेम्परेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टोसिज्म का एरिस्टॉटल ने एक बहुत ही बढ़िया चीज बोली थी कि व्हेन यू एक्चुअली डू द राइट थिंग इन राइट अमाउंट दैट इज वट बेसिकली मैटर्स द वर्ल्ड इज बेसिकली फिल्ड विद अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप उठते हो आप एक ऐसी एज में रह रहे हो भाई आप 20 रोल रीले स्क्रोल कर लो आपको इतना इन्फो मिल जाएगा इतना इन्फो मिल जाएगा आप सुबह उठते ही आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो एंड दीज वर लिटरली रिटर्न ऑलमोस्ट टू थाउजेंड ईयर अगो एंड इफ इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एट सच अ वाइड स्केल एट दैट टाइम जस्ट इमेजिन एट दिस पॉइंट वी हैव इंटरनेट वी हैव ए आई वी डोंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो कितना ज्यादा इन्फो आपके आसपास है सो द होल प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेंस इज टेम्परेंस इज बेसिकली दैट यू आर वेरी टेम्पटेटेड टू इंडल्ज इन टू एवरीथिंग आई विल टेक पॉलिटिकल ओपिनियन आई विल टेक बिजनेस लेसेंस आई विल टेक द रीडिंग सेशन आई विल गो टू द जिम आई विल डू दिस आई विल डू दैट बट वी एंड अप डूइंग नथिंग बेसिकली दैट्स द होल पॉइंट और इवन इफ वी डू वी डोंट डू इट विद लाइक आर सोल एनर्जी So the whole idea of temperance is keeping your things limited. Keeping the things that you do in your life limited, but doing it with better productivity, better outcome, and sticking to it. It's not like one like uh, once a week you are doing your gym, you're doing your extracurricular activities, you are going to the reading sessions, you are going there, here, and all that stuff. Whatever you have. बट वो तुम कर रहे हो हफ्ते में एक बार दैट ड मैटर द होल आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म इज नॉट अबाउट डूइंग बिग 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 चेंजेस इट्स ऑल अबाउट डूइंग स्मॉल लिटिल चेंजेस विच कैन इन्फ्लुएंस वंस लाइफ आपको मैं बोलूं कि आप अभी कल से सुबह पांच बजे उठना शुरू कर दो जबकि आपकी आदत है पांच बजे सोने की आप नहीं कर सकते हो यार वो आपको टाइम लगेगा आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाना पड़ेगा हो सकता है मैं आपको बोलूँ आप नौ बजे उठना शुरू करो आप आठ बजे उठना शुरू करो स्टोइसिज्म इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग स्मॉल लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ सो दैट फर्स्ट यू कैन सस्टेन देम देन यू कैन डू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आफ्टर दैट आप उन चीजों को एब्जॉर्व तो कर रहे हो बट आपको ग्रो भी करना है ना आगे इट्स ऑल अबाउट डूइंग दो स्मॉल चेंजेस एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंटिंग थर्ड इज जस्टिस एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री यू हैव द राइट टू चूज ठीक है आपको किसे वोट देना है आपको किसका कंटेंट देखना है आपको किससे बात करनी है आपको अपने ओपिनियंस कहां देने हैं कहाँ नहीं देने हैं ये आपका राइट right है आपको ये भी राइट right है कि अगर आप मेट्रो में जा रहे हो और आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है आपको बोलना चाहिए था आप नहीं बोल रहे हो वो भी आपका राइट right आप नहीं बोल रहे हो और अगर आप बोल रहे हो वो भी आपका राइट right है जस्टिस इज बेसिकली ऑल अबाउट एन इंडिविजुअल्स ओन चॉइस दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस इट्स ऑल अबाउट दैट एक्टिविज्म थिंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू एज एन इंडिविजुअल कैन मेक डिफरेंस यू एज एन इंडिविजुअल आर अ फ्री एंटिटी यू एज एन इंडिविजुअल एज अ स्टोहिक आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स टू लर्न प्रिंसिपल्स टू अडाप्ट प्रिंसिपल्स एंड फाइनली मेक अस आप अपने कॉलेज में हो आप अपने कॉलेज में हो आपने बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स देख रखे हैं आपने सबके बारे में जान लिया आपने सबकी आइडियोलॉजीज देख ली और आपको यह पता चल रहा है कि एवरी वन इज देयर फॉर देयर ओन मैनिफेस्टोज एंड नो वन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स वेलफेयर यू गो स्टैंड आउट अलोन यू मेक योर ओपिनियन गोइंग बैक टू द प्रीवियस प्रिंसिपल दैट इज योर टेम्परेंस अगेन देर इज अ हेल लॉर्ड ऑफ इन्फो एंड देन देर आर अ हेल लॉर्ड ऑफ पीपल यू कैन मेक हेल लर्ड ऑफ ओपिनियंस बट अगेन हियर यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि आपको किसकी बात सुननी है और आपको क्या ओपिनियंस बनाने योर ओपिनियंस आर योर ओपिनियंस दे आर नॉट एनी वन एल्स ओपिनियंस दैट इज समिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ सोसिज्म द होल आइडिया ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्चुअली मेरे पास ना आपके आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्ट है इट वॉज रिगार्डिंग द जस्टिस ओनली अ वेरी फेमस फिलोसफर

इससे इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी आपको लाइफ में दिख रहा है देन इट मज बी अ हेल्थ लॉट इम्पॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी गुड वेरी साकेस्टिक बट वेरी ट्रू टू दैट आपके जो अपने ये चार वर्च्यूज है ये मॉरल वर्च्यूज है इफ यू रियली अबाइड बाय देम यू रियली कीप दीज प्रिंसिपल्स टू योर वेरी अटर कोर यू कैन बी अ वेरी गुड इंडिविजुअल इन योर ओन सेल्फ एंड कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज विजम ये बहुत ही ना बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा जीनो हु इज ऑल्सो नोन एज दउंडर ऑफ स्टोज ही सेड दैट वी आर गिवेन टू आइज टू ईयर्स एंड वन माउथ टू आईज टू ईर्स एंड वन माउथ ऐसा क्यों हमें मुंह इसलिए एक दिया गया है दिस इज देयर ऑब्जर्वेशन दैट वी एज इंडिविजुअल शुड स्पीक लेस लिसन मोर एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्व मोर टू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन वेन यू आर टॉकिंग अबाउट विजडम वन नॉट लर्न एनी थिंग इफ दे इफ दे गो विद दिस बिलीव दैट दे नो समथिंग अबाउट इट इफ यू विल गो विथ दिस बिलीव यू विल लर्न नथिंग एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी ट्रू आप अपनी लाइफ में देख लो हो सकता है आपने आप अपनी कोचिंग में जा रहे हो आप अपने कॉलेज में जा रहे हो आपने एक दिन पहले किसी टॉपिक को पढ़ के रखा हुआ है आपको चुन मचेगी भाई कि मैं मैं जाके इसके बारे में बात करूं मैं पूरी क्लास में बोलूं भाई कि मैंने इस बारे में पढ़ा है एंड दैट्स फियर द इग्नोरेंस कम्स इन दैट्स अ वेरी वेरी लिटिल एग्जाम्पल वेरी चाइल्डिश ऑल्सो बट इसका जो पीछे का इंपैक्ट है दैट इज वेरी बिग दैट इज समथिंग दैट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस चीज को नोटिस करो कि आप एक ऑब्जर्वर होने के बाद ऑब्जर्वर ना होने के एम सो सॉरी आप एक ऑब्जर्वर नहीं हो आप एक लिसनर नहीं हो आप अपने माउथ का यूज ज्यादा कर रहे हो टू गिव इंफॉर्मेशन एंड दैट्स वेयर स्टोरसिजम कम्स इन टू प्ले That you as an individual need to listen more, adapt more, see more, and then finally make sound opinions. Again, going back to the second point, that is temperance. आपको सुनना है आपको ऑब्जर्व करना है और आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन लेनी है जितनी आपको नीडेड है टू डू दिस दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म। बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द another side, probably the dark side of stoicism. Uh, i want to sum this up, the stoicism philosophy, with this one very beautiful uh, quote that i read somewhere. stoicism is designed to be a practice and a routine. it's not a philosophy you read once and magically understand at the soul level. no, it's a lifelong pursuit that requires diligence and repetition and concentration. इसमें ना बहुत लोग बोलेंगे अरे बकवास की बातें होती गहरी बातें होती है आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है क्योंकि आपने उसके बारे में खुद ओपिनियंस कभी बनाए नहीं तो आप हमेशा यही बोलोगे कि यार ये चीज खराब है पीपल यूजली फेयर दोज थिंग विच दे डोन्ट अंडरस्टैंड एंडस्टोसिजम इज वन ऑफ देम और इसी पे आते हुए ड्रॉबैक्स पे जैसे स्टोइसिज्म का ड्रॉबैक ये है कि स्टोइसिज्म एक्ट्स ऑन इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स विच सॉर्ट ऑफ मेक्स द पर्सन हु इज डूइंग स्टोइसिज्म और हु एड्रेसेस एज स्टोइक उन लोगों को ना आइडिया ही नहीं होता फिर अपनी लाइफ का एज एन वो ना एकदम नम से हो जाते हैं उनका कोई रिएक्शन ही नहीं रहता है इमोशनल अवेलेबिलिटी ख़त्म होना जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो स्टोइसिज्म sto है ना मुझे बुरा लग रहा है ना मुझे अच्छा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में मैं तो बस न्यूट्रल रहूँगा सपोज गॉड फॉरबिट यू लूज़ वन ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड देन कैन यू इम्प्लीमेंट स्टोइसिज्म दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स इन एंड इवन आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस लाइक सपोज वन ऑफ योर पेरेंट्स डाइज एंड देन यू सी

अगर तुम्हें तब भी रोना आ रहा है तो क्या फ़ायदा तो इवन सब फिलासफर्स आर सो डीप दैट दे हैव गिवन स्टेटमेंट्स लाइक दिस बट अगेन फिलासफर्स आर डिफरेंट एंड नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट एक डिफिकल्ट पार्ट uh, ये भी रहा है कि वेन यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ स्टोईसिजम इन योर ओन लाइफ आप ना इमोशनली अन अवेलेबल होना स्टार्ट हो सकते हो एज इन आपकी लाइफ में यू आर अचीविंग बिग 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 फीट्स पहले यू यूज टू इंजॉय वन स्मॉल थिंग्स बिकॉज आदत है भाई वो बचपन से डेवलप हुआ है वो सब लेकिन आफ्टर बी फॉलोइंग सर्टन सेट्स ऑफ थिंग्स नाउ यू आर लाइक आई फील नथिंग इवन दे रिकमेंडेशन

एक तो आप इमोशनली अवेलेबल हो जाते हो और ना स्टोइसिज्म मॉरल वर्च्यूज़ पे ज़्यादा इम्प्लाई करता है एज इन जैसे जो हमने चार प्रिंसिपल्स बात करे उसका जो एक क्रक्स है वो ये भी निकल के आता है कि डूइंग द राइट थिंग डूइंग द राइट थिंग डूइंग द राइट थिंग अब वो राइट right थिंग क्या है वो डिपेंड करता है अब वो एक टेररिस्ट के लिए राइट थिंग इज किलिंग पीपल एक वो उसका मॉरल वर्च्यू है उस वो उसके भग वो उसके खुदा भगवान जो भी है वो उनके लिए वो मॉरल वर्च्यू है कि भाई ये मेरा मॉरल वर्च्यू है मैं इसमें मानता हूँ इसीलिए आई एम गोइंग टू डू दिस इट्स हिज स्टोइसिज्म हिज साइड ऑफ स्टोइसिज्म एट द एंड आई वुड लाइक टू लीव यू पीपल विद दिस वन थिंग दैट ओके स्टोइसिज्म इज अ वेरी ग्रेट फिलोसफी यू शुड ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट बट देन यू शुड सी फॉर योर सेल्फ मैं कोई ज्ञान नहीं चोदने वाला हूँ यहाँ पे कि मेरी बात सुनो मैंने ये बोला अब आप मेरी बात मानी और है और स्टोसिज्म को फॉलो करिए फॉलो इट इफ यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट डोंट माई होल आइडिया बिहाइंड टॉकिंग अबाउट स्टोइसिजम इज लीविंग यू विथ क्वेस् दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ अबाउट स्टोइसिज्म about your life about how you are reacting yes there are certain things which are good about stoicism but there are certain things that are also bad about stoicism how you figure this out that is up to you मैंने पहले भी अपने फर्स्ट सोलो कास्ट में ये बोला था और मैं दूसरे में भी यही बोल रहा हूँ कि इस सोलो कास्ट से या पॉडकास्ट से आपको सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे सवाल ज़रूर मिल जाएंगे तो जो सवाल आपको मिल रहे हैं उनके जवाब तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे एनीवेज

And if you want to see any particular topic, anything that you have in your mind that should be on SoloCast or on podcast, please comment below. And uh, till then, see you next week. And uh, make sure you like if you like the content, you subscribe and you share. And yeah, thank you so much for watching AP Podcast.